नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्ण लवर्स को। अविश्वास में आपका स्वागत है। और अविश्वास के सभी वीडियोस को देखने के लिए, कानूनन उससे रिलेटेड सभी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अविश्वास और बेल बटन दबाना ना भूले। कानूनन के साथ आप देख सकते हैं, मेरे कानूनन बड़े प्यारे लग रहे हैं एक्चुअली। तो मैं इनकी विग बनाना सिखाऊंगी आज। बाबू ने विग भी नहीं पहनी, मुकुट भी नहीं, क्योंकि कई बार मैं ऐसे भी रहने देती हूँ बाबू को। तो आप सबसे पहले इंची टेप लेकर के इस तरीके से बाबू के कान से कान तक नाप लेंगे। तो इनका 3 बैठ रहा है, तो इस तरीके से हमने 3 जो नापा है, इस तरीके से इसकी लंबाई जो है वो 5 है, इस तरीके से 3 है, क्योंकि हम अभी पहले यहाँ से फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ से फोल्ड करेंगे, एक तरफ का हम रहने देंगे। तो मैं फोल्ड करके आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने मशीन में ब्लैक कलर का धागा लगा लिया है, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ वो मैचिंग नहीं करती हूँ। अगर कंट्रास्ट में अलग कलर का लगाना है तो वो आपकी मर्जी होती है, बट ये तो वीक बन रहा है तो इसके लिए मैंने लिए हैं। ये बाल आते हैं, मैंने ये नेचुरल ब्राउन कलर के लिए हैं। छोटी एक्चुअली आती है बालों की इस तरीके से, ये अलग अलग कलर में मिलते हैं, तो आप ले सकते हैं चाहे ब्लैक चाहे ब्राउन। मैंने नेचुरल ब्राउन लिया ताकि नेचुरल लगे। इस पर हम मेहंदी भी लगा सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो मैं बाद में आपको दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इस कपड़े को 3 तरफ से सील लिया है, एक तरफ से नहीं सीला। उसका रीज़न मैं अभी बताऊंगी क्या करना है। अब हमें इस पर इस तरीके से बाल बिछाने हैं, जितनी भी लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं ये बाल की चोटी, मैंने इस तरह से इसको कॉम कर लिया है, तो आप पहले कॉम कर लेना। तो आप देख सकते हैं मैंने कपड़े के मिडिल में रख करके आगे से, जहाँ से मैंने फोल्ड किया होता है, यहाँ से अनफोल्ड था कपड़ा, यहाँ से मैंने इतना छोड़ दिया। आगे से मैंने इस तरीके से सेंटर पर सिलाई लगा दी है। अब मैं इस तरीके से कपड़े के इस कॉर्नर और इस कॉर्नर पर भी लगा दूंगी बाल जोड़कर। इस तरफ मैंने बालों की कटिंग कर ली है, इस तरफ कर ली है, बीच में जोड़ दिए हैं। अब मुझे क्या करना है, अभी इसे मुझे लेफ्ट फोल्ड करना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको फोल्ड कर दूंगी और यहाँ से मैं सिलाई लगा दूंगी, और फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली ये ज़्यादा आगे चली गई है लेयर। अब आप देख सकते हैं एक और लेयर मैंने बहुत लंबा सा काटा है, इसको सेंटर से बांध दिया। मैं इसको सेंटर में इस तरीके से डबल करके, और जो पीछे होल होगा मैं वहाँ पर सिल दूंगी। इसमें इस तरीके से आप सेंटर में लगा दीजिए, उसको पलट करके सिल सकते हैं। फिर अभी देखना कितनी भारी विग बनेगी। मैं यहाँ पर भी सिलाई लगा दी और यहाँ पर मैंने राउंड लगा दिया। मैं आपको विग दिखाती हूँ किस तरीके की बनी है। मैं इसमें इस तरीके से यहाँ पर एक सिलाई और लगाऊंगी, तो आप देखेंगे कि कितनी भारी विग तैयार हुई है। देख लीजिए इस तरीके से बाल कितने हैवी बने हैं, बिल्कुल जैसे हम लोग विग लगाते हैं उस तरीके से। अभी मैं आप सभी को दिखा देती हूँ, देख लीजिए बहुत ही सुंदर और घने लंबे बाल। इतने तो अगर हम भृंगराज तेल भी लगाएंगे जब भी हमारे भारी नहीं होंगे। तो बड़ी प्यारी सी बनी है मेरी कन्नू की विग, आप देख सकते हो बड़ी ही सुंदर है। और कैसी लगी आप सभी को विग, आप बना के ज़रूर ट्राई करिए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राधे राधे।